जहां पे सहयोगी अमृतांशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सुबह से बूथ बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुना लोकसभा, यहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर बूथ बूथ का वो निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी खुद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, लगातार मैं देख रही हूँ आप सुबह से निकले हुए हैं सर, अलग अलग जगहों पर पहुँच रहे हैं, निरीक्षण आप कर रहे हैं, किस तरह का मतदान प्रतिशत इस बार देख रहे हैं? हमारी यही कोशिश है कि जो दोनों चुनाव आयोग का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जितना मतदान बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मजबूत हमारी प्रजातंत्र बनेगी। और जो रुझान निकल रहे हैं, अभी जल्दी है कहने के लिए क्योंकि अभी केवल 1:45 बजे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो इस फेज में पिछले दो फेजों से मतदान ज्यादा अच्छा होगा। गुना में भी काफी अच्छा मतदान हुआ है सर, आप खुद बूथ बूथ पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, आपको लगता है कि जनता में उत्साह है इस बार? मैं मानता हूं कि जनता में बहुत उत्साह है। जनता प्रजातंत्र को के चुनाव को अपना एक पर्व मानती है और उस पर्व में पूर्ण रूप से शामिल होती है। और मैं नतमस्तक हूँ जनता के समक्ष कि अच्छे तादाद में मतदाता बाहर आ रहे हैं। बस एक सवाल सर, इस इलेक्शंस में हमने कई रंग आपके देखे, आप थिरकते हुए नजर आए, गाते हुए नजर आए और जनता के बीच में हर तरीके से आप गए हैं, जनता का प्यार इस बार क्या मिल रहा है आपको? पूर्ण रूप से मैं मानता हूँ कि जनता का आशीर्वाद रहे, यही मनोकामना है मेरे लिए। सभी का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद जैसा ही है और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस कहीं नहीं टिक रही है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस कहीं देश में टिक रही है। देखिए, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक रही है और यहाँ पर उन्होंने जो है करारा हमला बोला है कांग्रेस पर। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो लगातार बूथ बूथ पर निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत अच्छा हो और कहीं ना कहीं यही अपना दायित्व निभाते हुए बतौर प्रत्याशी भी वो खुद ही नजर आ रहे हैं। गुना से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अपना मजबूत किला है, लेकिन 2019 में वो इस किले को नहीं बचा पाए और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पहली दफा बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। हर जोर आजमाइश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए की है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक छोटे से नन्हे से बच्चे को खिलाते हुए वो नजर आए और पूरे कैंपेनिंग के टाइम में लोगों के बीच वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए हैं। और अब चलिए रुक करते हैं 40 सीट पर 40 हेडलाइंस का। शिवपुरी जिले में महिलाओं का मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकली है, बच्चों को साथ लेकर कतारों में दिखी महिलाएं। राजगढ़ के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकी गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार ने मतदान किया। शहर के बाल मंदिर मतदान केंद्र में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वोट कास्ट किया। विदिशा में मतदान केंद्र में सुबह से ही कतारों में लगे हैं लोग। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा कीरी मोहल्ला मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए पहुंचे और शेरपुर मतदान केंद्र पर जिला कलेक्टर और एसपी ने भी वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद दोनों अधिकारी एक दूसरे मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बलरामपुर में पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। चिंतामणि महाराज अपने गृहग्राम श्रीकोट में स्कूटी पर सवार होकर वोट डालने के लिए पहुंचे। मतदान में लाइन में खड़े होकर लंबे इंतजार के बाद चिंतामणि महाराज ने वोट डाला। ओडिशा से रायगढ़ 350 किलोमीटर का रास्ता तय करके वोट करने के लिए पहुंचा मिश्रा परिवार। बीते कई सालों से ओडिशा के अंगुल प्लांट में कार्यरत है मिश्रा परिवार। विदिशा सीट के अंतर्गत देवास के कन्नौज में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी कतारें हैं, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर मतदान करने के लिए पहुंची हैं। पोलिंग बूथ पर बनी सेल्फी फोटो खिंचवाते भी दिख रहे हैं मतदाता।
सागर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने मकरोनिया मतदान केंद्र पर वोट डाला। वानखेड़े ने कहा कि हमने राष्ट्र निर्माण के लिए वोट डाला है, हम विकास के कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे। जांजगीर चांपा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने अपने गृह ग्राम में मतदान किया। वोट देने के बाद जांगड़े ने बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दतिया में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा देवी के दर्शन किए, फिर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा 400 पार का नारा सार्थक होता दिख रहा है। जशपुर में मतदाता मतदान केंद्रों पर उमड़ी है भीड़, 80 साल के बुजुर्ग मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए पहुंचे, मतदान को लेकर लोगों में जोश दिखा। राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह की रॉयल फैमिली के परिवारजन वोट करने के लिए पहुंचे, मतदाताओं ने कहा पहले मतदान फिर जलपान, घूंघट डालकर आई महिलाओं ने कहा वोट हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा इसीलिए वोट कर रहे हैं। सूरजपुर में शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म के बाद मतदान देने के लिए पहुंची एक युवती, पटना गांव के बगियापारा बूथ पर किया मतदान। जशपुर में रायगढ़ लोकसभा के पत्थल गांव से विधायक गोमती साय ने वोट कास्ट किया, लाइन में लगकर विधायक ने अपनी बारी का इंतजार किया, विधायक गोमती साय ने मतदाताओं से वोट की अपील की। बैतूल से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने मतदान किया, जिले के केरापानी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके वोट कास्ट किया, दुर्गादास उइके ने मतदाताओं से वोट की अपील की। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह ने मतदान किया, अमरोद गांव पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद यादवेंद्र सिंह ने वोट कास्ट किया, यादवेंद्र सिंह ने चुनाव में जीत का दावा किया। ग्वालियर के मौजूदा सांसद अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, शेजवलकर ने अपनी पोलिंग बूथ पर सबसे पहला वोट डाला, साथ ही कहा यह वोट देश और देश के विकास के लिए। गुना शिवपुरी बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के विकास और प्रगति की सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का धर्म, सिंधिया ने सभी से वोट करने की अपील की, कहा संविधान में दिए गए इस अधिकार का उपयोग करें। विदिशा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा जनता ने मुझे असीम प्यार दिया है, प्रचार के दौरान बहनों ने मेरी आरती उतारी, मेरे हाथ में पैसे दिए, बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़ कर पैसे दिए और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। एक बड़ी खबर से चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 44.67% मतदान रहा, बैतूल में 1 बजे तक 48.26% मतदान, भिंड में 37.37%, भोपाल में 40.41%, गुना में 1 बजे तक 49.43% और ग्वालियर में 41.18% और 1 बजे तक मुरैना में 39.24% है। राजगढ़ की बात की जाए तो 52%, यहां पर देखिए बम्पर वोटिंग हो रही है, सागर में 44.32%, विदिशा में 50.46% है, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पे ओवरऑल 46.14% है, बिलासपुर में 39.93% और दुर्ग में 46.68%, जांजगीर चांपा में 43.41% और कोरबा में 48.1%, राजगढ़ में 55.8%, रायपुर में 40.59%, सरगुजा में भी देखिए तमाम इन इलाकों का ये वोट परसेंटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 1 बजे तक का। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक तरफ मतदान शुरू हुआ तो उधर कांग्रेस बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी पुलिस लाइन में हाजिर बजाने के लिए पहुंचे। सभी प्रत्याशी पूरे दिन मुरैना पुलिस लाइन में लगे रहेंगे क्योंकि यहां का यही दस्तूर है। देखिए दिलचस्प चुनावी कहानी। मुरैना पुलिस लाइन में ये तस्वीर बहुत ही खास है। वोटिंग वाले दिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों दलों के प्रत्याशी एक साथ हैं।
दिल से आशीर्वाद मिलने की गुंजाइश भले ना हो। जो जूनियर है वो सीनियर के पैर छूकर अभिवादन भी कर रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सीकरवार और बसपा के रमेश चंद्र गर्ग, सबके सब पुलिस लाइन में। आपको ये तस्वीर और कहानी हैरान कर सकती है, लेकिन मुरैना में ये रिवायत 28 सालों से चली आ रही है और ये परंपरा क्यों शुरू हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए पुलिस लाइन में नजरबंद बीजेपी के उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर को बाहर भगवा की हवा का कितना भरोसा है। हमारे जो निर्णय किया है जिला दंडाधिकारी या पुलिस अधीक्षक, जो भी निर्णय किया है वो उनका निर्णय है, आयोग का निर्णय है। अभी हम चुनाव आयोग के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो निर्णय है वो मान्य किया है, हम लोग आए हैं। वैसे हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई है नहीं। कांग्रेस वाले पुलिस लाइन में बीजेपी उम्मीदवार से थोड़ा पहले पहुंच गए। बीजेपी प्रत्याशी को आने में देरी क्या हुई, मौका मिल गया, दावा कर डाला। ये देरी दरअसल सत्ता में होने की वजह से है, सत्ता का घमंड है। मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहता हूँ कि विपक्ष का पूरा भरोसा लोकतंत्र पर है, संविधान पर है, और जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी सही समय पर आ गया। क्योंकि सत्ता का अपना एक रुतबा होता है, अपना एक घमंड होता है। देखिए, मैंने प्रशासन की कोई शिकायत नहीं की, मैंने तो सारा काम जनता के भरोसे छोड़ दिया है, प्रभु के भरोसे छोड़ दिया है। जो कुछ होगा अच्छा होगा, और मैंने बार बार कहा कि 2 लाख से कम वोटों से नहीं जीतूंगा, 2 लाख से अधिक वोटों से जीतूंगा। अब बसपा वाले भी क्यों पीछे रहते, रमेश चंद्र गर्ग ने बीजेपी पर भी आरोप मर दिए और अपनी हवा का दावा भी ठोक दिया। मैं अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे चुनावी प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है। मेरे पास तो कल शाम को एसपी साहब का फोन आया था कि सुबह पुलिस लाइन आ जाना, तो मैं पुलिस लाइन आया हूँ, बैठ के समझता हूँ काहे के लिए बुलाया मेरे को। ऐसा बताया कि हमारे उसमें प्रक्रिया में आता है कि तीनों कैंडिडेट को बुला के बैठा देते हैं। अब आपको बताते हैं दरअसल मुरैना की ये रिवायत आखिर क्या है। दरअसल मुरैना में ये सब 1996 यानी कि 28 सालों से होता आ रहा है। 1996 में कई बाहुबली चुनावी मैदान में उतर आए थे और हिंसा की गंभीर आशंका पैदा हुई थी। तब यहां के कलेक्टर ने आदेश दिया कि सभी उम्मीदवार मतदान के दिन पूरा दिन पुलिस लाइन में बिताएंगे। कलेक्टर के आदेश का पालन हुआ, तब से ये मुरैना की परंपरा बन गई है। किसी भी चुनाव वाले दिन सभी उम्मीदवारों को पुलिस लाइन में पूरे दिन की हाजिरी लगानी होती है। देखिए, ये जैसा आप सभी की जानकारी में है और पूर्व में भी ये व्यवस्था रही है कि मुरैना में जो भी अपने इलेक्शंस रहे हैं उसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपसी सहमति से वो लोग आके बैठ जाते हैं, ताकि कहीं भी फील्ड में घूमने पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ये यहाँ पे व्यवस्था पूर्व से रही है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं और इनको आपसी सहमति से लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अब आपको गुना संसदीय क्षेत्र ले जाते हैं, जहां पे रिटर्निंग ऑफिसर बता रहे हैं कि आखिर कंट्रोल रूम कैसे काम करता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हमारे सहयोगी अतिल गौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिला कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन प्लान, और नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद भार्गव को इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया गया है। अगर हम इस कंट्रोल रूम को आपको दिखाएं तो यहां आप देख सकते हैं कि कितना प्रतिशत मतदान किस समय पर कहां किस विधानसभा में हो रहा है, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है पूरी तरह से। और अगर इसको पूरा नोटिस करें तो ये पूरी एक एक तरीके से जो है बारीक निगाह रखने की कोशिश है, कहां संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह से यहाँ सारी मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो कर्मचारी हैं शासन के वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके पास में एक कंप्यूटर स्क्रीन है और ये अपने अपने तरीके से डाटा उपलब्ध करते हैं, उन डाटा को मेन जो है निर्वाचन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं रविंद्र कुमार चौधरी, उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ से इसे आगे बढ़ाया जाता है। ये पूरे का कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसे जो है लोकसभा क्षेत्र के लिए
लिए हम कह सकते हैं कि ये एक बाकायदा काम करता हुआ कंट्रोल रूम है। और कंट्रोल रूम को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या कुछ है, इस संबंध में हम बात करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर जो शिवपुरी के जिला कलेक्टर हैं रविंद्र कुमार चौधरी साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका सेंटर है ये किस तरह से काम कर रहा है और इसमें अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। देखिए, जो 9 बजे तक का है वो 17% से ज़्यादा हमारा मतदान हुआ और अभी लगातार अपडेट हो रहे हैं जो अभी मतदान की जानकारी, और हमने 20 जो हमारे LED लगे हुए हैं हर विधानसभा में, 4-4 LED पे एक एक स्क्रीन पे हम 6 बूथ का लगभग देख पाते हैं और उसको रोटेट करके देखते रहते हैं। 885 बूथ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं तो उससे भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसे दिखा, लंबी कतार दिखी तो हम उनको मैसेज करते हैं। सेकेंड नंबर GPS लोकेशन के लिए अलग से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बना हुआ तो GPS ट्रैकिंग हम करते हैं कि हमारे सेक्टर कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं, और बसों का करते हैं। और आप देखेंगे AMC का अलग सोशल मीडिया, तीनों जो फोरम है चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम पे, यदि किसी को कुछ करेंगे तो वो उसको हम तत्काल हम लेंगे। और इसके साथ ही साथ अलग अलग हमारी सारी व्यवस्थाएँ हैं उसी यहीं पर इसी जगह जो 1950 जो होता है उसका देख रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड जो बॉर्डर इंटरस्टेट बॉर्डर का उसकी स्क्रीनिंग हम लाइव हम कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। दिखाइए ना सर थोड़ा सा, ये जो GPS ट्रैकिंग है और GPS ट्रैकिंग को भी अलग से बनाया गया है और जो मॉनिटरिंग की जाती है यहाँ पर ये GPS ट्रैकिंग के माध्यम से की जाती है और ये स्क्रीनिंग है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि स्क्रीन दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से निर्वाचन को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया जा रहा है और इसमें जो है पूरी टेक्नोलॉजी का सहारा इस समय लिया जा रहा है और ये जो GPS टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर के मतदान को ठीक ढंग से संपादित कराने का काम यहाँ किया जा रहा है। सर, जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है और वहाँ क्या तैयारी की गई है? नहीं, संवेदनशील में 3 तरह के हैं, एक हाइपर सेंसिटिव है, एक लेस सेंसिटिव है, एक लीस्ट सेंसिटिव है। जो मोर देन 300 हैं हमारे, 305 हैं, तो उन पे तो हमारी पुलिस की व्यवस्था है या CAPF की, जो हाइपर सेंसिटिव है उसमें CAPF रहता है। इसके साथ ही साथ जो अन्य जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस या फिर SAF के जवान लगाए गए हैं और साथ ही साथ हमारे 167 सेक्टर ऑफिसर हैं और 167 ही सेक्टर पुलिस मोबाइल है। इसके साथ साथ 22 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं जिसमें BK पुलिस रहता है और थानों के जो हैं QRT रिस्पांस टीम वो अलग से हैं और इसके साथ पुलिस की टीमें SDM ये सब सभी फील्ड में हैं। तो हम किसी भी स्थिति में कहीं यदि कोई दिक्कत होती है हम लगभग 10 से 12-15 मिनट के भीतर हम वहाँ पहुँचते हैं और जैसे मशीनें भी जहाँ तहाँ ख़राब हुई उसको हम लोगों ने। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा कि परसेंटेज का कितना अंतर आएगा? सर, परसेंटेज तो जो पिछले लोकसभा का था जी उससे पॉइंट्स में ही अंतर है। अभी जो हम देखेंगे तो उससे कुछ पॉइंट्स में ही अंतर है, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट का अंतर है, लेस देन 1 पॉइंट का। तो अभी देखें, चूँकि मतदाता हैं आएंगे, हम लगातार हम लोग कोशिश तो किए हैं कि अधिकाधिक मतदान हो। जी, बहुत धन्यवाद सर आपसे हमसे बात करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरा मैं कहूँगा कि अपने कैमरा साथी से कि वो दिखाने की कोशिश करें कि प्रत्येक मतदान केंद्र जहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा कैमरे लगाए गए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और यहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है पूरी और प्रत्येक मतदान केंद्र से यहाँ लाइव टेलीकास्ट लिया जा रहा है और बाकायदा कर्मचारी जो हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ बैठे हुए आपको नजर आएंगे और ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल रूम है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ NDTV पर आपको दिखाई दे रही हैं। और इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ में इस बार निर्वाचन आयोग ने इस मतदान प्रक्रिया को संपादित कराने का जिम्मा उठाया है और जिला निर्वाचन अधिकारी कहें या रिटर्निंग ऑफिसर कहें रविंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो मतदान हो रहा है उसका प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। और ये जो आपने तस्वीरें देखी ये बहुत खास और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि निर्वाचन आयोग ने किस तरह आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए न केवल वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की है बल्कि मतदान को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए उसके ऊपर जो है टेक्नोलॉजी का पहरा बिठाया है। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। तो देखिए, सुबह से ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग तस्वीरें ग्राउंड जीरो की सबसे पहले हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के अलग अलग रंग कैसे सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए पोलिंग बूथों पर और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं चुनाव के ये अलग अलग रंग, जहां पर देखिए PM नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान, तमाम VVIPs
बाकायदा कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। देखिए अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया और अहमदाबाद में ही, क्योंकि गांधीनगर से अमित शाह खुद प्रत्याशी हैं और अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने देखिए यहाँ पे अपने परिवार के साथ उन्होंने भी वोट कास्ट किया। और भोपाल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडी शर्मा, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और जशपुर विदिशा में देखिए शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट से एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अपने परिवार के साथ वो वोट कास्ट करने के बाद वो नीली स्याही दिखाते हुए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राजनांदगांव से प्रत्याशी भी है भूपेश बघेल, वो खुद भी चुनावी मैदान में और दुर्ग में वोट कास्ट करने के बाद वो नीली स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।